हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार यादव, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अजीत यादव ट्रिकी मैथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को पार्टनरशिप का सवाल पढ़ाने वाला हूं और यह हमारा पार्टनरशिप का यह चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट, इसके पहले आपने पहला दूसरा तीसरा आपने पार्ट अगर नहीं पढ़ाया तो हमारे चैनल पर जा करके पहला दूसरा तीसरा पार्ट आप पार्टनरशिप का पढ़ लीजिए, यानी कि साझेदारी का सवाल। जो साझेदारी का सवाल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्रत्येक परीक्षाओं में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और बेसिक से आपको बताया गया है, बहुत सारे प्रश्न भी कराए गए हैं। मैंने पहले आपको बताया हूँ पहले पार्ट में कि साझेदारी का जो सवाल होता है तीन टाइप का होता है, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री। आज मैं आपको टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री का सभी प्रकार का प्रश्न बताऊंगा। आप पूरी तरीके से वीडियो को देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर यह रहा, किसी व्यापार में ए ने 5,000 रुपये 8 माह के लिए, बी ने 10,000 रुपये 10 माह के लिए तथा सी ने 4,000 रुपये 15 माह के लिए लगाता है। यदि उन्हें कुल मुनाफा 4,000 रुपये का होता है तो तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या होगा। इसने कहने का मतलब है कि तीन लोग ए, बी और सी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें ए 5,000 रुपये लगाता है। ये 5,000 रुपये लगाता है और कितने माह के लिए लगाता है? ये 8 माह के लिए लगाता है। और बी जो है 10,000 रुपये इसमें लगाता है, 10,000 रुपये लगाता है और ये 10 माह के लिए इस बिजनेस में अपना पैसा लगाता है। सी 4,000 रुपये लगाता है और ये 15 माह तक के लिए अपना पैसा यूज करता है। अब कहता है कि कुल जो मुनाफा होता है, कुल मुनाफा इसको 4,000 रुपये का होता है, तो उसमें ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा आपको निकालने को बोला जा रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि टाइप नंबर थ्री का सवाल है जिसमें टाइमिंग और लागत अलग अलग है। इसका टाइमिंग देख रहे हैं कि यह ए अपना 5,000 रुपये 8 माह के लिए लगाया है, बी अपना 10,000 रुपये 10 माह के लिए लगाया है, सी अपना 4,000 रुपये जो है 15 माह के लिए लगाया है। तो जब टाइमिंग और लागत उसकी अलग अलग होती है तब इसका हम पहले रेशियो निकालेंगे, टाइमिंग गुणे लागत यानी कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी, इसका हम गुणा करेंगे। इसमें तो 8×5 आपका 40 हो जाएगा और 1, 2, 3 जीरो है इसको लगा दीजिए, यानी कि 40,000 अनुपात इसका यहाँ से गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया फिर अनुपात इसका यहाँ गुणा करेंगे, 15×4 आपका 60 हो जाएगा, 1, 2, 3। ये हो गया आपका। अब इसका हम 1, 2, 3, 4 ये कट गया आपका, आया कितना आपका 2:10:6। इसको भी 2 से हम काट सकते हैं, 2 से अगर काटेंगे तो ये 2×2=4, 2×5=10, 2×3 आपका 6 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से ए अनुपाते बी अनुपाते सी का जो अनुपात हो जाएगा 2:5:3, इसका अनुपात आ गया। इसका क्या आ गया? अनुपात आ गया, ए और बी और सी का अनुपात ये हो गया आपका। अब यहाँ से आपसे ए का हिस्सा पूछा जाए, ए का हिस्सा अगर निकालना है तो ए का अनुपात कितना है, इसको रख दीजिए 2 और गुणे में जितने रुपये का लाभ हो रहा है 4,000 रुपये का इसको लिख दीजिए और बटे में इनका रेशियो का योगफल 3, 2, 5, 5, 5, 10। तो ये 0 से 0 कट जाएगा आपका, ये 400×2 हो जाएगा यानी कि 800 रुपये। ए को कितना मिलेगा? 800 रुपये मिलेगा मुनाफा होने के बाद। अगर यहीं से बी का पूछा जाए कि बी को कितने मिलेगा तो बी का रेशियो कितना है, 5 है, इसको रख दीजिए, 4,000 रुपये का इसको प्रॉफिट हो रहा है इसको रख दीजिए, इसको अनुपात को हम जोड़ेंगे तो 10 आएगा, इसको काट दीजिए यहाँ से, 400×5=4×20 यानी कि 2,000 रुपये बी को मिलेगा, 2,000 रुपये बी को मिलेगा। सी को पूछा जाए तो सी का अनुपात आप देख रहे हैं 3 है तो 3 रखिए और 4,000 रुपये का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है इसको रख दीजिए, बटे में 10 काटेंगे तो 4×3=12, 2×0। कहने का मतलब यहाँ से आपको ए को कितना मिलेगा, 800 रुपये,
बी को कितना मिलेगा 2000 रुपये, सी को मिलेगा 1200 रुपये। अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं 12 और 8, 8 12 20 हो जाएगा, 20 और 20 आपका 4000 रुपये हो जाएगा। यानी कि चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए इसकी इस पर यह रहा, तीन हिस्सेदार ए बी और सी अपने व्यापार में क्रमशः 34000 रुपये, 26000 रुपये और 10000 रुपये की पूंजी लगाते हैं, कुल लाभ 17500 रुपये में से ए का हिस्सा क्या होगा। कहा जा रहा है कि तीन व्यक्ति ए और बी और सी, ये तीनों मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें ए जो है 34000 रुपये लगाता है, ये जो है 34000 लगाता है, बी आपका 26000 रुपये लगाता है, सी आपका 10000 रुपये लगाता है। और कहता है कि बाद में कुल लाभ जो होता है, कुल लाभ जो होता है ये आपका कितना होता है 17500 रुपये का, 17500 रुपये का कुल लाभ होता है। तो देखिए यहाँ से 17500 रुपये का लाभ होता है तो ए का हिस्सा क्या होगा ये पूछा जा रहा है। और आप देखिए इसमें टाइमिंग की बात नहीं होगी, समय की बात अगर नहीं हो रही है तो आप समझ जाएंगे कि तीनों के लिए समय जो होता है एक समान होगा, तीनों के लिए समय समान होगा। तो जब समय समान होता है तो हमने पहले बताया है कि ये टाइप नंबर 1 का सवाल हो गया। टाइप नंबर 1 में क्या होता है, उसका लागत अलग अलग होता है और टाइमिंग उसका समान होता है, टाइम उसका समान होता है और लागत जो होती है अलग अलग होती है। तो लागत देखिए 34000 रुपये लगाया है, 26000 रुपये लगाया है, 10000 रुपये लगाया है और एक निश्चित समय के लिए तीनों ने लगाया है। तो ये पहले टाइप का सवाल हो गया। तो यहाँ से ए का हिस्सा पूछा जा रहा है तो इनका हम अनुपात निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी इनके लागत का, इनके लागत का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए ये आपका 34000 रुपये अनुपात 26000 रुपये अनुपात आपका हो जाएगा 10000 रुपये। तो 4 0 इधर है आपका, यहाँ से 3 0 कट जाएगा, फिर 3 0 इसमें कटेगा, 3 0 इसमें कटेगा, तो ये आपका आ जाएगा 34 अनुपाते आपका 26 अनुपाते आपका 10। इसको भी अभी अभी हम काट कर छोटा भी कर सकते हैं, अगर 2 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 17, इसको काटेंगे तो ये आपका 13, इसको काटेंगे 5। कहने का मतलब कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी का लागत का जो अनुपात हो गया 17:13:5 का अनुपात हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो ए का अनुपात इसमें कितना है, ए का अनुपात आप देख रहे हैं कि 17 है, इसको 17 लीजिए, फिर लागत, फिर इसको प्रॉफिट कितने का मिल रहा है 17500 रुपये, 17500 रुपये इसको रख दीजिए 17500, और इनके रेशियो को आप जोड़ दीजिए। इसको जोड़ने के बाद आपका 17 और 13 हो जाएगा बी है, और 17 और 13 आपका 30, 30 5 आपका हो जाएगा 35। अब इसी को हमको काटना है, 5 से अगर काटते हैं तो 5 7 35 हो जाएगा, 5 3 15, 5 5 25, 2 0, 7 5 आपका होता है 35, 2 0। अब इसको हम गुणा कर देंगे, ये 0 हो जाएगा और 17 5 आपका हो जाएगा 85, 17 5 85, यानी कि 8500 रुपये, 8500 रुपये ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि ए को कितना पैसा मिलेगा, आपको 8500 रुपये मिलेगा। तो इस तरह से यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा, यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को आप इस तरह से करेंगे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा, ए और बी मिलकर के साझे में एक व्यापार आरंभ किया, उसकी पूंजी का अनुपात 5:3:5 था, यदि वर्ष के अंत में कुल 2400 रुपये लाभ हुआ तो बी को ए से कितना अधिक मिला। ये सीबीआई का क्वेश्चन है, 2002 में पूछा गया है सीबीआई में। तो देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर के साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं, उनकी पूंजी का अनुपात, यानी कि ए और बी मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं जिनके पूंजी का अनुपात, यानी कि ए जितना पैसा लगाया है और बी जितना पैसा लगाया है उनके पूंजियों का अनुपात, अनुपात मीन्स होता है कि भाग, छोटी सी छोटी राशियों की इकाई, ये हो जाएगा 3:5 बताया जा रहा है, उनकी राशियों का अनुपात ये है, और अंत में उसको कुल 2400 रुपये का लाभ होता है। कुल लाभ आपको कितने का होता है 2400 रुपये का, कुल लाभ 2400 रुपये का होता है। तो कहा जा रहा है बी को ए से कितना अधिक मिलेगा। अब देखिए टाइमिंग की बात नहीं हो रहा है, टाइमिंग इनका समान है, टाइमिंग समान है, तो आप क्या करेंगे इनके लागत का जो अनुपात है, इनके लागत का जो अनुपात है आप देख ही रहे हैं कि कितना पैसा लगा है ये आपको पता नहीं है, तो इनके लागत का अनुपात आपको दिया है कि ए अनुपात बी अनुपात है 3:5,
बस आपको यहीं से आंसर निकाल लेना है। पहले ए का हिस्सा अगर आप निकालते हैं, ए का हिस्सा, तो ए का अनुपात 3 है, इसको रख दीजिए, और इसको 2400 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, इसको रख दीजिए, इसको जोड़ देंगे ये 8 हो जाएगा, 8 3 का आपका 24, 3 0 2 0 हो जाएगा, 3 3 का आपका 9 हो जाएगा, यानी कि ये कितना मिल गया आपको, ए को 900 रुपये, ए को 900 रुपये मिलेगा। अब यहाँ फिर से हम बी का निकाल लेते हैं, बी को कितने रुपये मिलेगा, बी का हिस्सा आप निकाल लीजिए, बी का निकालने के लिए बी का अनुपात देख रहे हैं आप 5 है, इसको लिख दीजिए, फिर आपका 2400 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, इसको रख दीजिए, बटे में आपका 8 कर देंगे तो 8 3 का आपका 24, 3 0 यहाँ से गुणा कर देंगे तो 5 3 आपका हो जाएगा 15, 5 3 15। अब आपको देखिए बी को कितना मिला है 1500 रुपये, और इसको कितना मिला है आपको 900 रुपये, 900 रुपये मिला है, लेकिन प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है बी को ए से कितना अधिक मिला है, बी को 1500 रुपये मिला और ए को 900 रुपये मिला, तो बी को कितना अधिक मिला है यहाँ से, तो आप कह सकते हैं कि बी को 600 रुपये अधिक मिला है ए से। तो इस प्रकार का प्रश्न जो होता है अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा, और ऐसा प्रश्न अगर आपको मिलता है तो आप आसानी से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा, राम श्याम तथा मोहन ने 5900 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। राम ने श्याम से 500 रुपये अधिक तथा श्याम ने मोहन से 300 रुपये अधिक धन लगाया हो तो 590 रुपये का लाभ में से आर का हिस्सा क्या होगा। आर का हिस्सा मतलब कि राम का हिस्सा क्या होगा। देखिए प्रश्न को समझते हैं एक बार पुनः है। तीन व्यक्ति हैं आपका, पहला राम है, श्याम है और मोहन है। ये तीनों मिल करके पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें से जब हम इनका जो लागत लगा है, यानी कि राम का और श्याम का प्लस मोहन का, इन तीनों का जो पैसा लगा है ये आपका 5900 रुपये का, यानी कि इनके पैसों का तीनों का योगफल 5900 है। और इसमें कंडीशन ये बता रहा है, राम का श्याम से 500 रुपये अधिक है तथा श्याम का मोहन से 300 रुपये अधिक है। अगर हम मोहन का यहाँ पर 100 रुपये मान लें कि मोहन उस बिजनेस में 100 रुपये लगाया है, तो कंडीशन दिया है कि जो श्याम जितना पैसा लगाया है मोहन से 300 रुपये अधिक लगाया है, तो मोहन 100 रुपये लगाया है, तो यक्ष और श्याम क्या क्या हो जाएगा, यक्ष प्लस 300 रुपये हो जाएगा। अब कंडीशन कह रहा है कि राम जो है सोहन से 500 रुपये अधिक लगाया है, ये 500 रुपये अधिक लगाया है, तो मतलब यक्ष प्लस 300 में अगर 500 हम जोड़ते हैं तो राम जो पैसा लगाया है यक्ष प्लस 800 रुपये हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, यहाँ से इनको समझना बहुत ज़रूरी है। एक कंडीशन दिया है, इस कंडीशन के अनुसार आपको चलना पड़ता है। तो अब आप देख रहे हैं कि योगफल कितना है आपका, 5900 रुपये है, और कुल जो लाभ होता है, कुल लाभ यानी कि कुल लाभ इसमें कितना होता है आपका, 590 रुपये का होता है। तो यहाँ से अब आपको निकालना है। अब देखिए इसका योगफल आपको इतना बताया जा रहा है, यानी कि राम प्लस श्याम प्लस मोहन का योगफल कितने के बराबर है, 5900 रुपये का। तो राम का हिस्सा देख रहे हैं कि यक्स प्लस आपका 800 है, और श्याम क्या आपका यक्स प्लस 300 है, और मोहन का आपका यक्स है, जो बराबर है आपका 5900 रुपये का। इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, तुरंत आप वहां से आसानी से कर सकते हैं। यक्स यक्स मिलकर के आपका 3x हो जाएगा, 800 और 300 1100 हो जाएगा, 75 हो जाएगा इधर जाकर के, तो आपका 5900 में से ये 5900 में से आपका 1100 को घटाएंगे, 1100 को घटाएंगे तो आपका 3x बराबर यहाँ से 20 हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा, यानी कि 4 4800। अब भाग दे देंगे तो x बराबर हो जाएगा 4800 बटे में 3 3 1 3 3 6 18, यानी कि 1600 यक्ष बराबर आपका आ जाएगा 1600, यक्ष बराबर 1600। ये क्या बता रहा है, उस बिजनेस में जो है मोहन 1600 रुपये लगाया है, उस बिजनेस में मोहन 1600 लगाया है, तो ये कितना हो जाएगा सोहन का, यानी कि श्याम का कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर 1600 और 3 ये, यानी कि उस बिजनेस में सोहन आपका 1900 रुपये लगाया है। अगर यहाँ से हम यहाँ पर, और राम उस बिजनेस में कितना लगाया है 1600 यहाँ रखेंगे, 16 और 8 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर 16 रखेंगे और 16 ये 8 ये आपका ये हो जाएगा 2400 रुपये, उसमें कितना लगाया है, राम लगाया है। तो ये चीज़ आपको पता चल गया। और देख लें टाइमिंग इसका समान है, टाइमिंग सभी का समान है,
तो इनके हम जो लागत लगाए हैं इसका हम रेशियो निकालेंगे, यानी कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी का रेशियो अगर निकालते हैं तो ये का यहाँ पर 2400 रुपये अनुपाते आपका 1900 रुपये अनुपाते आपका 1600 रुपये। तो यहाँ से आपका 2 जीरो से इधर कटेगा, इधर कटेगा, इधर कटेगा, तो तीनों का जो अनुपात आ जाएगा 24:19:16, यानी कि किसका किसका, ए बी सी का अनुपात निकल गया ये। अब आपको आर का हिस्सा पूछ रहा है, यानी कि राम का हिस्सा पूछ रहा है, कुल वहां पर लाभ कितना हुआ है 590 रुपये का। तो ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए का हिस्सा निकालना है, ए का अनुपात यहाँ पर 24 है इसको रख दीजिए, जितने का लाभ हुआ है यानी कि ये रख दीजिए 590 रुपये का, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे 9 6 15 15 4 आपका होता है 19, 15 4 आपका 19 हो जाएगा, 2 और 2 2 4 एक आपका 5 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 240 रुपये। ए का हिस्सा कितना आएगा 240 रुपये। अगर यहीं से पूछा जाए आपसे बी का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा अगर पूछा जाए तो बी का अनुपात देख रहे हैं 19 है, 590 रुपये का यहाँ लाभ हुआ है इसको रख दीजिए, और बटे में इसको जोड़ने के बाद आपका 59 आ रहा है, इसको काटेंगे 10 हो जाएगा, तो 190 रुपये आएगा बी का हिस्सा। ए का यहाँ से बी का हिस्सा कितना आया 190 रुपये। अगर यहीं से आपसे सी का पूछा जाए तो सी का अनुपात देख रहे हैं यहाँ से 16 है और 590 रुपये का लाभ हुआ है इसको रख दीजिए और बटे में 59, इसको काट देंगे तो यहाँ से 10 हो जाएगा, सी का हिस्सा हो जाएगा 160 रुपये। कहने का मतलब कि कोई भी पूछे, ए का पूछे, बी का पूछे, सी का पूछे, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, जिसमें ए का हिस्सा आया है 240 रुपये आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, और बी का हिस्सा यहाँ से आया है 190 रुपये, और सी का हिस्सा आपको आया है 160 रुपये। तो इस प्रकार का जो प्रश्न होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्रत्येक परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों आपको उम्मीद करते हैं कि ये पूरा वीडियो आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा, तो समझ में आया है तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा है उसको आप क्लिक कर हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और एक बेल आइकन घंटी की बटन जरूर से जरूर दबाइएगा, और वीडियो को अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को जरूर से जरूर इसको शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।